नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और स्ट्रेस जब भी हम बच्चों से पूछते हैं तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे लगभग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कन्फ्यूजन आज के क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है ये देखते हैं। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। क्या है ये स्ट्रेंथ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अ मटेरियल कैन विदस्टैंड बिफोर फेलियर, ठीक है। ये क्या है आपका, हर एक स्ट्रेस की वैल्यू आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो कि मटेरियल क्या कर सके, सस्टेन कर सके, यानी विदस्टैंड कर सके बिफोर फेलियर। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं क्या करूं, ये आपका मार्कर है, जैसे मैंने लोड अप्लाई किया था अभी, तो मैं इस पे लोड अप्लाई करते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, ये एक लिमिट होगी। आ रही बात समझ में? एक मैक्सिमम लिमिट होगी जिसके बाद ये क्या कर जाएगा, ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? या तो ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, या इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? और उसके बाद से वो वहीं पे परमानेंट सेटअप हो जाएगा। जैसे इसकी लेंथ बढ़ गई, फिर वो वापस नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर इसकी लेंथ बढ़ गई है तो वो क्या हो गया, फेल कर गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। पहले जितना रेजिस्टेंस वो सह सकता था, अब वो उतना रेजिस्टेंस नहीं सहेगा, ठीक है। तो जस्ट फेल होने से पहले, फेल होने का मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ब्रेक कर जाना, ब्रेक करना नहीं होता है। बस ये समझ जाइए कि वो अपना जो भी सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन था वो अब परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फोर्स लगाया, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए, अंदर इंटरनल फोर्स जितना मैं फोर्स लगाते गए उसके बराबर बढ़ता गया, एक लिमिट होगी जिसका ये मैक्सिमम ये रीच कर जाएगा, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। उसके बाद से जैसे ही हम फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, ये क्या कर जाएगा, आपका ये मटेरियल जो है, ये जो भी मार्कर है, ये इलोंगेट कर जाएगा, ठीक है, और फिर वापस नहीं आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, जो जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये हमारी बॉडी डेवलप करेगी अगेंस्ट द लोड, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो मटेरियल के लिए रहा। जैसे आप किसी से जो है पंजा लड़ाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि कितना किसके पास, जिसका जितना दम रहता है पूरा ऐसे करके पूरा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस लगाता है, फिर उसके बाद से एक लिमिट होती है जिसके बाद से वो क्या कर जाता है, नीचे पटक दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो वही मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस जो बॉडी आपकी डेवलप कर पाएगी उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। वो आपकी जिस तक जहां तक आप खड़े रह पाएंगे इतना, वहां तक जो है स्ट्रेंथ है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा भी अधिक हुआ फोर्स, उसके बाद क्या होगा, आपका हाथ नीचे गिर जाएगा। तो दैट इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम इंटरनल फोर्स जो कि आपकी बॉडी डेवलप करेगी, जनरेट करेगी, किसके अगेंस्ट, जो भी लोड होगा। तो अब देखिए स्ट्रेस क्या होता, स्ट्रेस को पहले ही बता दिया है, इंटरनल फोर्स अपोजिंग द एक्सटर्नल फोर्स, ये पहले ही बता दिया है कि इंटरनल फोर्स। और जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स की बात, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली बताया है हमने, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए, ये बताया है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। इसको सिंपली स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट करने के लिए है, स्ट्रेस को आप कैलकुलेट करते हैं। आ रही बात समझ में? पर यूनिट एरिया आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेस है क्या, इंटरनल फोर्स है। आ रही बात समझ में? इंटरनल फोर्स ही आपका क्या है, स्ट्रेस है। लेकिन इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पी बाई ए किया जाता है, ताकि हम उसकी इंटेंसिटी को बता सके कि कितनी इंटेंसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। आर बात समझ में? तो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आर इक्वल टू पी अभी हमने किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेस Which defines the failure of material, ठीक है। स्ट्रेस जो है मटेरियल के फेलियर को बताता है, न कि लोड, लोड नहीं बताता है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूं,
एक बार कंसिडर करता हूं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मान लेता हूं मैं 20 mm² है। आ रही बात समझ में? इसका एरिया कितना है 20 mm², ये मैं इस पे 50 N का फोर्स लगा देता हूं। आ रही बात समझ में? 50 N का फोर्स लगा देता हूं। एक और बार है मेरे पास, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम एक ही मटेरियल का, और इस पे भी मैं 50 N का फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, कितने न्यूटन का, 50 N का, और इसका लेकिन एरिया जो है कितना है, 20 N है, कितना है, सॉरी 20 mm², इसका एरिया कितना है 20 mm², तो देखिए A1 मान लेता हूं, इसका A1 इसको मान लेता हूं, A2 इसको मान लेता हूं, ठीक है, ये आपके एरिया दिया गया है और मटेरियल इसका सेम है। और एक चीज और हमें दिया गया है, कहा गया है कि मटेरियल का जो परमिसिबल स्ट्रेस है, मटेरियल का जो परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो कितना है 4 N/mm², कितना है मटेरियल का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 4 N/mm² है। तो मैं पहले केस में स्ट्रेस को कैलकुलेट करता हूं σ1। आ रही बात समझ में? ये सिंपली होगा आपका 50 / A, मतलब 20। दूसरे केस के लिए, इसके लिए कैलकुलेट करता हूं σ2, ये होगा 50 / सॉरी दोनों को 20 10 10 एक को कर देता हूं, ठीक है, इसको 10 कर देता हूं, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया था, गलत हो गया, इसको मैं 20 कर देता हूं। दोनों का एरिया अलग अलग रखा है, ठीक है, दोनों पे तो लोड सेम लग रहा है, देख रहे हैं लोड आपका सेम है, यहां पे लोड आपका दोनों जगह सेम लग रहा है। तो अब देखिए स्ट्रेस क्या हो गया, σ1 कितना आ गया 5 आ गया, 5 N/mm², ये σ2 कितना आया, ये 50 / 2 यानी 2.5 N/mm², और हमारे मटेरियल का जो आपका परमिसिबल स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस है वो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो कितना है 4 N/mm². तो देखिए 4 N/mm² ये है, तो यहां पे देखिए कौन इससे बाहर निकला है, ये आपका बाहर निकल गया है, तो ये मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। आ रही बात समझ में? फेल कर जाएगा और ये आपका सेफ रहेगा। आ रही बात समझ में? तो बॉडी में आपका जितना कम स्ट्रेस डेवलप होगा, उतना वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। आ रही बात समझ में? लोड से देखिए, लोड तो सेम लगाया था हमने, लेकिन आपको स्ट्रेस जो डेवलप होगा बॉडी में, जितना कम डेवलप होगा उतना ज्यादा मटेरियल आपका सेफ होगा। आ रही बात समझ में? यहां पे आपने देख लिया, देखिए यहां पे कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहां पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और आपकी परमिसिबल स्ट्रेस से ये कम है, तो ये क्या होगा आपका, ये जो है सेफ रहेगा और ये फेल कर जाएगा। तो आपको कोशिश करनी होती है कि कम स्ट्रेस डेवलप हो, ठीक है, देखिए सेम लोड पे ये आपका इसमें कम स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। अब हम दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्ट्रेस जो है आपका डिफाइन किया जाता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, ऑलवेज डिफाइन जो किया जाता है पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। इसको समझ लेते हैं कैसे, जैसे अभी हमने बनाया था आपकी एक बॉडी जो रॉड थी, प्रिज्मेटिक रॉड, ठीक है, इस पे हमने पुल फोर्स लगाया था PP। आ रही बात समझ में? और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था हमने, यहां से कट करके, यहां से दो हब में कट किया था मैंने, यहां से XX यहां कट किया था। तो देखिए ये वाला पार्ट यहां पे था और ये वाला पार्ट यहां पे बनाया था हमने, और यहां पे मैंने पी फोर्स दिखाया था और ये पी फोर्स इधर दिखाया था। तो यहां पे जो है जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ इसका क्या करेंगे, इस पी फोर्स का अपोज करेंगे। यहां पे देखिए ये पी फोर्स का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे अपोज करेंगे इस रजिस्ट, इस फोर्स का, ठीक है। तो यही जो अपोज करेंगे तो ये क्या होगा, रजिस्टेंस होगा, और ये सब अलग अलग लगाएंगे। आ रही बात समझ में? ये सारे जो होंगे, ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, लेकिन इनका टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, कैपिटल आर। आ रही बात समझ में? इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, कैपिटल आर, इनका सम होगा। आ रही बात समझ में? इनका रिजल्टेंट जो आएगा कैपिटल आर आएगा। तो ये देखिए ये सारे जितने भी फोर्स आपको लगा रहे हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या लग रहे हैं, पॉइंट वाइज लग रहे हैं ना, तो यही पॉइंट वाइज जो लग रहे हैं, ये पॉइंट वाइज जो लग रहे हैं, तो यही क्या है आपका,
स्ट्रेस है। तो आपका स्ट्रेस किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। आर्य भाषा में ये क्या है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग है ना। आर्य भाषा में यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन इसका पूरे का सम जो होगा आर के इक्वल होगा। और जो आर होगा वो किसके इक्वल होगा, आर इक्वल टू पी होगा। आर्य भाषा में ये होगा। तो आपका सिंपली जो है स्ट्रेस किस पे डिफाइन किया जाता है, पॉइंट पे। लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो सिंपली हम अभी बताए हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई ए। मतलब कि हम इंटेंसिटी देखते हैं कि कितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है उस इंटरनल रेजिस्टेंस की, उस यूनिट एरिया में। आ रही बात समझ में। अब देखिए एक पॉइंट लास्ट है, इसको समझ लीजिए। ये जो है स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो है प्लेन वाइज वेरी करता है, वेरीज किसके अकॉर्डिंग, वेरीज प्लेन टू प्लेन। आ रही बात समझ में, प्लेन टू प्लेन हमारा स्ट्रेस जो है वेरी करता है प्लेन टू प्लेन। अगर हम प्लेन वाइज जो है अलग अलग प्लेन देखेंगे तो अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस होगा। आ रही बात समझ में। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे ये है, अगर मैं इसी को ऐसे कट कर दूँ, आ रही बात समझ में, मान लीजिए ये इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये देखिए ये आपकी बॉडी है और ये ऐसे है। आ रही बात समझ में, इधर पी, और सेम मैं इसका दूसरा जो है फिगर बना देता हूँ, ये आपकी बॉडी है और ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है, ये आपका पी, ठीक है। ये दोनों ही जो है एक दूसरे को मैंने कट करके, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, इसको समझ जाइए कि एक ही बराबर हैं, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ेंगे तो ये एक ही हो गया, हमने कट कर दिया है। अब देखिए इस पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये क्या करेंगे, ऐसे रेजिस्टेंस लगाएंगे। आ रही बात समझ में, सब अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे और इनका टोटल जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपका पी के इक्वल आएगा। आ रही बात समझ में। ये देखिए ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, आ रही बात समझ में, तो ये दोनों बराबर होंगे। आ रही बात समझ में, ये भी कैपिटल आर होगा, इधर भी इनका सम जो है कैपिटल आर होगा। आ रही बात समझ में। तो इनका सम जो है किसके इक्वल होगा, पी इक्वल टू आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हम जो है क्या करते हैं, ये जो है आर जो है आपका, आर जो है आपका सिंपली इस प्लेन पे किसी एंगल पे होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इस प्लेन के इस फोर्स को, ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स आर आया है, इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। एक मैं इस नॉर्मल टू द प्लेन, देखिए इस नॉर्मल टू द प्लेन कर सकता हूँ, जो कि हम मैं लिख सकता हूँ आर एन होगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्लेन के पैरेलल कर सकता हूँ। आर यू समझे, इसे मैं आर टी लिख सकता हूँ। आर यू समझे, आर एन और आर टी, ये क्या है आपका इस प्लेन के, जैसे ये प्लेन है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको समझिए ऐसे लग रहा है। तो एक मैं ऐसे नॉर्मल टू द प्लेन इसको रिजॉल्व कर दिया, और एक जो है इसके अलोंग होगा। आ रही बात समझ में। तो दो इसके कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल टू द प्लेन और एक जो होगा अलोंग द प्लेन। तो ये जो है आपका जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ये आपका जो जनरेट करता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है इस प्लेन के। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिंपली अगर हम डिवाइड करें अगर इंटेंसिटी मतलब एरिया से, तो ये जो होगा इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन, और ये हो जाएगा आर एन डिवाइडेड बाई इसका एरिया क्या होगा, सीधे सीधे ए, मान लेता हूं मैं ए, ये एरिया जो होगा मान लेता हूं मैं ए, ये एरिया मैं मान लेता हूं ए डैश मान लेता हूं, ठीक है, ये एरिया मैं ए डैश मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ए मैंने इसको मान रखा है पहले से ही। अब देखिए ए डैश हो गया, ठीक है। अब मैं जो है अगर दूसरा स्ट्रेस की बात करूं जो अलोंग द प्लेन है, तो वो क्या होगा आपका, उसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। और इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस की बात करूंगा तो सीधे सीधे सिग्मा आर टी, आर टी इसको टाउ से दिखाते हैं, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं, और ये हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई ए डैश। आ रही बात समझ में। जो इस प्लेन के अलोंग में जो लग रहा है वो भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका ये अलोंग द प्लेन है, तो ये अलोंग द प्लेन है डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी आ जाएगी, या सिंपली शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पे देखिए अगर हमने प्लेन जब ऐसे कट किया था तो केवल हमें एक स्ट्रेस मिल रहा था, वो क्या मिल रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने प्लेन को ऐसे कट किया, ठीक है, इसको ऐसे कट कर दिया, तो आपको क्या मिला, एक नॉर्मल स्ट्रेस मिला, एक शियर स्ट्रेस मिला। तो अलग अलग, देखिए अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू होती है,
अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ प्रेशर को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम स्ट्रेस को लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए पहले डिफरेंस की बात करते हैं। आपका जो फार्मूला होता है ये होता है P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, ठीक है। एरिया इसका भी फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। आ रही बात समझ में? चलिए प्रेशर जो है आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। और ये आपका स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। आ रही बात सुनिए, पहला डिफरेंस इंटरनल फोर्स की वजह से। दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो आपका ये जो है आपका प्रेशर जो है नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। नॉर्मल फोर्स इसमें होता है। आ रही बात सुनिए, ये जो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स होता है, लेकिन ये जो है जनरेट हो सकता है आपका नॉर्मल फोर्स या बोल सकते हैं हम पैरेलल फोर्स, दोनों की वजह से। ये नॉर्मल फोर्स की वजह से, एनएफ मतलब नॉर्मल फोर्स, और ये पैरेलल फोर्स, दोनों की वजह से जनरेट होता है आपका स्ट्रेस। लेकिन आपका प्रेशर जो है ऑलवेज नॉर्मल फोर्स की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आपका जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे आपका सेम होता है हर डायरेक्शन में। आर्यवासन में स्टैटिक फ्लूड में, स्टैटिक फ्लूड में आपका प्रेशर जो होता है हर डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है स्टैटिक फ्लूड में। ये किसने कहा था? पास्कल ने, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रेस क्या होता है? अभी मैंने बताया हर डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब प्लेन वाइज डायरेक्शन वाइज क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट वैरी करता है, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री, ऐसे हर डायरेक्शन में क्या करेगा? ये वैरी करेगा, ठीक है। और साथ ही में क्या होगा कि पॉइंट टू पॉइंट भी वेरी करता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि आप जो है प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आता है। आ रही बात समझ में? प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल चीज है, ये इंटरनल चीज है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को जो है हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेशर को मेजर किया जा सकता है बाय द प्रेशर गेजेज, लेकिन ऐसी कोई डिवाइस अभी तक नहीं बनी है जो स्ट्रेस को मेजर कर सके। स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी है, ठीक है। मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नॉट मेजर, ठीक है। मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब जो है स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेन को हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे उसको, ठीक है। स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बट कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपका स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। और डीप में जाके बात करें तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। तो अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जो कि जिसमें जो है मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और प्लेन की जरूरत पड़े, ठीक है। आपकी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े केवल, आपकी वेक्टर क्वांटिटी केवल डायरेक्शन की जरूरत पड़े, और टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें प्लेन की भी जरूरत पड़े डिफाइन करने के लिए उन क्वांटिटीज को, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस जो है आपकी टेंसर क्वांटिटी है। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट करिए इसके बारे में, मैं टेंसर पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अभी ये जानिए कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और प्लेन दोनों तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा आपका प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है।